आज मैं आपको इस वीडियो में हार्मोन रिलेटेड ट्यूमर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं डॉक्टर मुक्ता बख्शी हूँ। मैं यहाँ मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद में एज सर्जिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड इन ऑन्कोलॉजी मैं हूँ काम करती हूँ। हार्मोन रिलेटेड ट्यूमर्स, ये एक ऐसी टर्म है। हार्मोन्स आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं वो क्या चीज़ होती है। बहुत सारे लोग ये हमेशा पूछते हैं हम लोगों से कि हार्मोन से संबंधित बीमारियां क्या होती हैं। हार्मोन्स एक तरह के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपको और आपके डेली की दिनचर्या के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपके बॉडी के जितने फंक्शंस हैं, जितने कार्य हैं, वो सब हार्मोन्स के द्वारा ही पॉसिबल हो पाते हैं। पर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कुछ ग्लैंड्स होते हैं शरीर में जो कि इनको सिक्रीट करते हैं और जो कि आपके ब्लड में जाके दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर या दूसरी जगहों पे जाके उनके ऊपर एक्शन करते हैं। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर जाके वो लॉक कर देते हैं उनको, और एक ये की और लॉक के जैसा है। जब वो उन रिसेप्टर्स पे लॉक करते हैं तो एक तरह से उन ऑर्गन्स का फंक्शन या उनका मेटाबॉलिक जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है। सो इस तरह से हार्मोन्स शरीर में काम करते हैं। कैंसर्स अधिकतर बहुत लोग जानते हैं आजकल, कैंसर क्या होता है क्या नहीं होता, ट्यूमर्स क्या होते हैं ये भी आप जानते हैं, पर कुछ हार्मोन रिलेटेड ट्यूमर्स होते हैं। हार्मोन रिलेटेड ट्यूमर्स मतलब कि वो ट्यूमर्स जिनके ऊपर इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं कि उनके ऊपर वो हार्मोन्स जाके एक्ट करें और उनके जो फंक्शन है उसको एक्टिवेट करें या उन सेल्स को और फैलने के लिए तैयार करें। सो जब बहुत सारे सेल्स फैलना शुरू होते हैं, जब उनका प्रोलिफरेशन शुरू होता है या उनमें कैंसर के जैसे डेवलपमेंट होने लगता है तो वो मल्टीप्लाई बहुत रैपिडली होते हैं। उनके फास्ट रैपिड मल्टीप्लिकेशन के दौरान उनमें बहुत सारे सेल्स में कुछ बदलाव होते हैं जिन्हें हम म्यूटेशंस कहते हैं। सो जब ये म्यूटेशंस होने लगते हैं तो एक तरह से वो जेनेटिकली या हेरिडिटरी टाइप ऑफ कैंसर्स में बदल सकते हैं और वो आपके दूसरे नेक्स्ट जनरेशंस को भी पास ऑन हो सकते हैं। इस तरह के ट्यूमर्स जनरली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ बहुत जुड़े रहते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट है, थायराइड है, दूसरे ओवरीज हैं, एंडोमेट्रियम है, प्रोस्टेट है, टेस्टीज हैं, और समटाइम्स बोन के कुछ ट्यूमर्स होते हैं ऑल्सो, वो भी हार्मोन रिलेटेड ट्यूमर्स में गिने जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर आपके लिए इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे मरीज लोगों के टेस्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर टेस्ट, ERPR स्टेटस। सो ये ERPR क्या है? ये ब्रेस्ट और दूसरे सब ओवरीज, ये आपको पता है ओवरीज से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो जिनकी वजह से ब्रेस्ट और दूसरे ऑर्गन्स भी मैनिपुलेट होते हैं। तो जो उनकी वजह से ईस्ट्रोजन के अगर हाइपर ईस्ट्रोजेनेमिया होता है या ईस्ट्रोजन हाई हो जाता है तो बहुत बार बहुत सारे कैंसर्स उससे रिलेटेड माने जाते हैं। उसी तरह से द इम्पॉर्टेंस जो होती है वो हार्मोन रिलेटेड ट्यूमर्स जानने की ये है कि अगर इस तरह का ट्यूमर है जो हार्मोन से मैनिपुलेटेड है या जिसमें हार्मोन रिसेप्टर्स हैं, वो ट्यूमर्स को हम हार्मोनली मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब उनके ट्रीटमेंट में हम उनको कुछ हेल्प मिल सकती है कुछ हार्मोन वाली दवाइयों से। सो ये इसका बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आपको एक मैंने ब्रेस्ट कैंसर का ही एक एग्जांपल दिया है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें ERPR जिनमें पॉजिटिव है वो वाले ट्यूमर्स के ऊपर हार्मोन्स के मेडिसिंस जो होती हैं या उस तरह के दवाइयां जो बनती हैं वो उनको मैनिपुलेट कर सकती हैं और उनसे वो उनको रोका जा सकता है। पर कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिनमें ये सब नहीं होता, ERPR रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, तो इनमें जो है हार्मोन्स ज़्यादातर वर्क नहीं करते हैं एज अ ट्रीटमेंट, क्योंकि उनके लिए रिसेप्टर्स काम करने के लिए नहीं है।
दूसरा इम्पॉर्टेंट इस बीमारी हार्मोन रिलेटेड ट्यूमर्स का ये होता है कि ये ट्यूमर्स जो जिस जगह से हार्मोन निकल रहा है, हो सकता है ट्यूमर वहाँ का ना हो, दूसरी जगह पे उसका एक्शन आपको पता चल रहा है, जिस ऑर्गन पे जाके वो काम कर रहा है उस ऑर्गन का एक्शन आपको मालूम पड़ रहा है। तो ये इसका दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा इसमें हार्मोन रिलेटेड ट्यूमर्स में ये होता है कि कुछ ट्यूमर्स एक्टॉपिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो मतलब उनको नहीं करना चाहिए, उनमें से भी वो ऑर्गन्स वो वाले हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। जैसे लंग कैंसर है, लंग कैंसर में कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो कि कुछ अलग अलग तरीके के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और जिनकी वजह से शरीर में दूसरे लक्षण दिखाई देते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स। सो इस तरह की सिंड्रोम्स होने से, जैसे कि हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी है, कैल्शियम बहुत हाई हो जाता है कैंसर में, और समटाइम्स ये जो हाई कैल्शियम है ये एक तरह का पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है। उसी तरह हाइपर कोएगुलेबिलिटी है, मतलब जो खून का थक्का जमने के वो बढ़ जाती है उसमें, तो वो भी एक तरह का कई बार कैंसर्स के साथ जो है वो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है। इनअप्रोप्रिएट एंटीडायुरेटिक हार्मोन सेक्रेशन है, कई ऐसे इस तरह के हार्मोन्स हैं जो अलग तरीके के हार्मोन्स हैं, वो उस ऑर्गन में नहीं होते हैं जनरली, बट जब उन वो ट्यूमर्स बनते हैं वो ट्यूमर्स इस तरह के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हार्मोन रिलेटेड ट्यूमर्स को भी हम उतनी ही इम्पोर्टेंस दें, उतनी ही उनके बारे में जानकारी रखें जितनी कि हम दूसरे कैंसर्स के बारे में रखते हैं, क्योंकि बहुत बार ये जो हैं मरीज बहुत सारे दूसरे जो जिस जगह का उनको प्रॉब्लम है उसके अलावा आपको हो सकता है वो इस तरह के मरीज कई दूसरे डॉक्टर्स के पास मिले, कई दूसरी बीमारियों के साथ मिले और उनका डायग्नोसिस इसीलिए जो है हो सकता है कि कुछ कारणों से डिले हो सकता है। बट अगर एक बार उनका सही डायग्नोसिस हो जाता है तो उनका ट्रीटमेंट संभव है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी लक्षण दिख रहे हैं, किसी भी तरीके के लक्षण दिख रहे हैं, तो आप अपने लक्षण लेके सामने आए, पूरी तरह से जांच कराएं और अपने धीरज को ना खोएं, बिकॉज कई बार जो है हो सकता है कि वो बीमारी आपकी उस जगह ना हो के किसी और जगह पे हो, जो जिसको ढूंढने के लिए हमें समय लग सकता है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपनी बीमारी को अनदेखा ना करें, उसके लक्षण जैसे ही पकड़ में आए, जैसे ही लगे कोई मुझे लक्षण हो रहा है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, पूरा इलाज कराएं, पूरा उसका इवैल्यूएशन कराएं, आधे में ना छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि वो बीमारी आपको साल दर साल से चल रही हो और आप उसका अभी तक रूट जो है अभी उसकी रूट प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो उसको ध्यान रखते हुए आपको अपना पूरा चेकअप कंप्लीट करना चाहिए और उसके बाद ही आप सही डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं, और जैसे सही डायग्नोसिस होने पे सही ट्रीटमेंट भी उसी तरह से संभव होता है।